कटनी जिले में पुलिस द्वारा हाल ही में लागू हुए नए कानून को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोतवाली परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला बार संघ के अध्यक्ष अमित शुक्ला उपस्थित रहे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पूर्व के बनाए अंग्रेजों के शासनकाल के चले आ रहे कानून को बदलकर नए कानून को देश भर में लागू किया गया है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव अग्निहोत्री ने कहा कि नए कानून को लागू किए जाने से आमजन में कानूनी प्रक्रिया के तहत अपराध पर अंकुश लगेगा। और इसी क्रम में कोतवाली प्रभारी आशीष शर्मा ने बताया कि देश भर में नए कानून को लागू किए जाने पर आमजन और शहर के गणमान्य लोगों तक इस कानून की जानकारी हो सके, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज का जो यहाँ जिला कटनी के अंतर्गत ये सभी थानों में नए कानून को लेकर के एक आवश्यक रूप से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कटनी के सभी संभ्रांत लोग जनप्रतिनिधि एवं अधिवक्ता साथीगण उपस्थित हुए। निश्चित रूप से नया कानून जो आया है, लोगों को सुलभ न्याय मिलेगा, जल्द से जल्द इसमें निराकरण की बात भी कही गई है और बाल श्रमिकों के लिए एवं महिलाओं के लिए अच्छे कानून लाए गए हैं। जी हाँ, आज हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किए गए हैं। इसमें धाराओं में जो परिवर्तन किया हुआ है उनके बारे में लोगों को जागरूक कर किया गया है एवं नागरिकों के लिए, पीड़ितों के लिए अब कानून कितना सरल हुआ है और उन पीड़ित को रिपोर्ट अपने घर बैठे भी कर सकता है, इतनी सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की गई है। नए कानून में जो भारतवर्ष में लागू हुआ है और आज से लागू हुआ है, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं जिसको कुछ समय के बाद ही आम नागरिक के समझ में आ पाएगा कि क्या परेशानियां हैं और क्या सुलभताएं हैं। साधारण रूप से ऐसा नहीं है जैसे ई सुविधाएं कर दी हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। किस क्यों कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसका वो कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे जाँच करेंगे, ये सब आगे की विषय वस्तु है, अभी की नहीं है। अभी धारा 155 15 दिन के अंदर न्यायालय भेजी जानी उन्होंने कर दिया है। NCR होती थी पहले की, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, मतलब 155 न्यायालय जाने के क्षण, मगर ये आवश्यक कर दिया है। वो बहुत एक अच्छी चीज लाई गई है, क्योंकि आदमी आता था, उसको शारीरिक चोटें होती थी, वो बोलता था, पुलिस 155 करके और भेज देती थी, मगर अब वो आवश्यक रूप से 15 दिन के अंदर न्यायालय जाएगी, न्यायालय उस चीज को देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है।